वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज़ आवर अनादर एपिसोड ऑफ डेली न्यूज़ पेपर वीडियो जहाँ हम रोज़ाना के द हिंदू न्यूज़ पेपर के जो मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उन्हें इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली कवर करते हैं सो so, आज है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मार्च तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं वेल well, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के सीनारी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है एंड दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई और इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जानेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट ने इंडिया की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में क्या डाटा दिया है हमारे लिए डाटा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट आज एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन और जोग्राफी एंड रिसोर्स प्रस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है जहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट सी माउंट की बात करेंगे नाउ द सी माउंट इज़ ए एन सी माउंट हम इसका फुल फॉर्म जब देखते हैं इट इज़ अफानासी निकटिन सी माउंट जो कि बेसिकली इंडियन ओशन में लोकेटेड है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रिच एरिया है इस्पेली ये जो माउंट है ये कोबाल्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अबंडेंस में कोबाल्ट मिलता है ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया हैज़ अप्लाइड यू नो फॉर द राइट्स टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर सी माउंट एंड ऑलरेडी इसे लेकर इस एरिया में श्रीलंका ने भी uh, जो क्लेम किया है कि इस एरिया में श्रीलंका एक्सप्लोर करना चाहता है इन रिसोर्सिस को तो एक रेस शुरू हो गई है जो हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनकी एक एक्विजिशन को लेकर तो इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर अपना इंटरेस्ट शो किया है अपना क्लेम दिया है तो ये लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंड uh, एक कि, किस तरह से ये सी माउंट कहाँ पे लोकेटेड है प्लस किस तरीके से आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं ओपन सी एरियाज़ में वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसीलिए इसी से जुड़े एक इंपॉर्टेंट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट बॉडी की बात करेंगे विच इज़ आई एस ए इंटरनेशनल सी बेट अथॉरिटी इसका क्या रोल रहता है इस तरह के टॉपिक्स में इस तरह के इश्यूज़ में वो हम यहाँ पर देखेंगे फिर हमारे पास आज हेल्थ प्रस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज सिक्कल सेल अनिमिया सिक्कल सेल डिजीज़ देखिए अगर आप इस साल का 2024 का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो हमारे हेल्थ के टॉपिक में सिक्कल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वो ऐसा कोई ऐसा मंथ नहीं है कोई ऐसा वीकली द हिंदू का हेल्थ का एडिशन नहीं है जहाँ पे सिक्कल सेल एनीमिया की बात ना हो तो सिक्कल सेल एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके कुछ प्रस्पेक्टिव्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे एंड देन वी गो न टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन लद्दाख सो लद्दाख के अंदर लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है आ द डिमांड फॉर द स्टेट हुड ऑफ लद्दाख आप सब जानते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन होती है और आर्टिकल 370 की यू you नो know, हटाया जाता है उसके बाद से लद्दाख को यूटी बना दिया जाता है तो एक तो डिमांड लद्दाख में ये उठ रही है कि लद्दाख को उसकी स्टेट हुडशिप मिलनी चाहिए एंड सेकेंडली लद्दाख इज़ डिमांडिंग फॉर सिक्सथ शेड्यूल एंड जहाँ पे वहाँ के ट्राइबल कल्चर वहाँ की सेंसिटिव इकोलॉजी को लेकर ये डिमांड उठाई जा रही है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांचुक जो कि एक बड़ा चेहरा है इस लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर uh, उन्होंने अपना 21 डे का जो फास्ट है उसे अब ब्रेक किया है तो जानेंगे वाई लद्दाख इज़ प्रोटेस्टिंग क्या है मेजर डिमांड और क्या होता है सिक्स शेड्यूल सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन विद आर फर्स्ट आर्टिकल जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है देखिए जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये हमारी डेमोग्राफी का हमारी पॉपुलेशन का इकोनोमी का एक इम्पोर्टेंट इशू रहता है सो रिपोर्ट आई है हमारे पास रिपोर्ट रिलीज की है आई ने नाउ आई के बारे में हम बहुत डिटेल में जानते हैं हम पढ़ते हैं दिस इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ट्वेंटी फोर सो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024 ट्वेंटी फोर विच हैज़ बीन रिलीज बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी नाउ यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि जब हम बात करते हैं इंडिया की तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो नंबर है जो स्ट्रेंथ है हमें हम हमेशा उसका जिक्र करते हैं लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंट के प्रॉफिट को रीप करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है इन दी फॉर्म ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारा यू नो डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़ा है लेकिन वही जब हम अनएलॉयमेंट का सिनेरियो देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रसिस्ट कर रही है और ये हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2021 में हमारा जो यूथ है दैट अकाउंटेड फॉर 27% सेवन परसेंट ऑफ आर पॉपुलेशन तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 27% सेवन परसेंट पॉपुलेशन वॉज ऑफ़ इंडियाज़ यूथ एंड ये नंबर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने वाला है Uh, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 यू you नो know, 2036 तक ये नंबर 21 परसेंट तक पहुंच सकता है तो हमारी जो यूथ है इसका जो अमाउंट है जो प्रोपोर्शन है ये डिक्लाइन हो सकता है सो दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी नीड टू रीप आउट दी यू नो द प्रॉफिट्स, द गेन्स फ्रॉम आर डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन वहीं पर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे देखिए हाला हाल, हर साल इंडिया में सेवन टू एट मिलियन यूथ हमारी वर्कफोर्स के अंदर ऐड होता है अपार्ट फ्रॉम दिस इस रिपोर्ट के अंदर वल्नरेबल ऑक्यूपेशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की गई है क्या इस वलरेबल ऑक्यूपेशन का मतलब है कि अगर हम इंडिया में देखा जाए कि किस तरह का काम मिल रहा है हमारे यूथ को तो जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो बाय एंड लार्ज पुरर क्वालिटी की है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि अडल्ट को किस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो ऐसे केस में जो यूथ हैं उनको ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर्स और वलरेबल ऑक्यूपेशन के अंदर आ, काम मिल रहा है तो इस वनरेबिलिटी को भी यहाँ पे यू you नो know, शो किया गया है अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूथ वेजेस हैं जो अर्निंग्स हैं वो उम्र के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन जितना कम उम्र है उतनी कम वेज है और उतनी ज़्यादा वनरेबिलिटी का ऑक्यूपेशन उनको दिया गया है तो इस कंडीशन के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है द वर्किंग कंडीशन्स जो हैं दैट इज़ ऑल्सो पुअर एक मार्जिनल गैप है बिटवीन द यूथ अर्निंग एंड द वेज एम्प्लॉयमेंट वो गैप जो है वो पुअ वर्किंग कंडीशन को शो करता है अच्छा जी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है कि अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस वर्ग में है सो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर पढ़े लिखों के अंदर है दी हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अमंग द ग्रेजुएट्स जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है आ, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और इनके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर विमेन जो कि ग्रेजुएट हैं दे आर मोर अनएम्प्लॉयड देन द मैन तो ये एक खास बात है यहाँ पे कि पढ़ाई लिखाई के बाद ग्रेजुएशन के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो ज़्यादा है और इस कैटेगरी के अंदर विमेन आर मोर अनएम्प्लॉयड एज़ कम्पेयर टू मैन नव इस कंडीशन के पीछे अगर हम कुछ अंडरलाइंग डायमेंशंस को देखने के लिए जाएं तो यहाँ पे एक बड़ा रोल जो है वो फास्टली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का है आजकल हम देख रहे हैं कि कितने फास्ट पेस पे जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है सो so, जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी की जब चेंजिंग होती हैं तो इससे लेबर मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब देखो आजकल के टाइम पे देर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जा रही है ठीक है तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इससे लेबर मार्केट के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेरी जॉब्स हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिग इकॉनॉमी है दैट इज़ दैट हैज़ इंक्रीज दे हैव ऑब्वियसली इंक्रीज द न्यू जॉब्स काफ़ी जॉब्स गिग इकॉनमी ने क्रिएट की हैं बट दीज जॉब्स आर लार्जली टेम्प्रेरी एंड इनफॉर्मल एंड ऑल्सो इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड वर्क तो टेम्प्रेरी जॉब्स के नेचर की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है एंड ऑल्सो जब हम गिग की बात करते हैं या फिर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसे केस के अंदर जो एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट है या फिर जो कंट्रोल है आ, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर इवन काम करना आ, जो मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट तो इसके लिए इसको लेकर क्या किया जाए देखिए जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो ऐसे केस में हमेशा हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात होती है कौन सा है लेबर इंटेंसिव सेक्टर दैट इज़ दी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट नाउ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा वी नीड टू गिव दिस प्राइमेसी कि जो भी हमारे पास देखो इंडिया में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है वी हैव मोर अनस्किल्ड लेबर तो इस अनस्किल्ड लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट देनी होगी अलॉन्ग विद द इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग द मॉडर्न मैनुफेक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर तो जिस तरह से हमारे पास एम एस एम ईज हैं यू नो दे प्रोवाइड अ मोर सपोर्ट और मोर अप्रोच तो इन सबको बूस्ट करते हुए हमें मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी होगी अच्छा कुछ दिन पहले हमने बात की थी ग्रीन इन्वेस्टमेंट की ग्रीन जॉब्स की तो दैट इज द नीड ऑफ द आवर तो हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीक़ों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है ग्रीन जॉब्स क्रिएट करनी है एंड सिमिलरली यू नो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा ताकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं वो राइज़ हो अच्छा एक और चीज़ आप देखिए हमारे पास आज के पेपर में ये ग्राफ आया है हमारी एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप एक चीज़ देखिए ये जो लाइट ब्लू कलर है दिस इज़ शोइंग यू टू का डाटा तो अगर आप देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सो टू थाउजेंड में कुछ यहाँ पे है आप देखिए ट्वेंटी नाइन्टीन तक ये एम्प्लॉयमेंट का रेट टू थाउजेंड से कम है तो टू थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी नाइन्टीन तक हम धीरे 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 नीचे आ रहे हैं लेकिन 2019 के बाद लाइक पोस्ट पैंडमिक कोविड 19 के बाद अगर हम अभी 2022 की बात करें तो स्लाइटली हम इम्प्रूव किए हैं फ्रॉम 2019 बट स्टिल वी आर बिलो द 2000 लेवल तो आप देख रहे हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन 2000 के कंपैरिजन में अभी भी लो है लेकिन हालांकि स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे आप देखिए मेन की पार्टिसिपेशन में इंक्रीज़ हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज ठीक है बट स्टिल हर एक केस में 2000 के टाइम पे जो लेवल था हम उससे नीचे हैं तो ये एक यहाँ पे जरूर हमें शो किया गया है सो दैट इज़ अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट सिनारी ऑफ इंडिया मूविंग अहेड बात करते हैं ए एन सी माउंट के बारे में ना सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ए एन सी माउंट का फुल फॉर्म इट इज़ बेसिकली एफ आसी निकिटिन सी माउंट एफ निकिट इन सी माउंड ये आज न्यूज़ में है ठीक है न्यूज़ में क्यों है इंडिया हैज़ अप्लाइड हमारे पास एक अथॉरिटी है एक बॉडी है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जिसमें हमने आ, ये इस अप्लाई किया है कि ये जो अफानासी निकटिन सी माउंट है इसको अब हम बोलेंगे ए एंड सी माउंट इसे एक्सप्लोर करने के राइट्स इंडिया को दिया जाए अच्छा अब सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए ये देखिए दिस इज इंडिया ओवर है ये है इंडिया ये है श्रीलंका एंड इवन डाउन साउथ श्रीलंका ये जो सी माउंट आपको नजर आ रहा है दिस इज़ निकट सी माउंट जिसको एफ अनासी निकट इन सी माउंट कहा जाता है ए एन सी माउंट एंड ये जो पर्टिकुलर रीजन है इट इज़ रिच इन कोबाल्ट ये कोबाल्ट में काफ़ी ज़्यादा रिच है ठीक है अब देखिए ये जो मूव है कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन मोटिवेटेड बाय द चाइनीज एक्टिविटी इन दिस रीजन चाइना जो इस रीजन के अंदर स्ट्रेटजिक रिसोर्स को सिक्योर करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए जो अपने यू नो एक्टिविटी बढ़ा रहा है इसे देखते हुए इंडिया अपने आसपास के एरिया में जो हमारे लिए स्ट्रेटजिक रिसोर्स हैं उनको सिक्योर करना चाहता है अगर आप देखो ये जो ए एंड सी माउंट है uh, इंडिया की कोस्ट से ये तकरीबन तीन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रिच है कोबाल्ट तो है ही है कोबाल्ट के साथ साथ यहाँ पे निकल भी मिल जाएगा यहाँ पे मैंगनीज भी है और यहाँ पे कॉपर के डिपॉजिट्स भी हैं ठीक है अब इशू क्या है इशू ये है कि हमारा जो क्लेम है जो एप्लीकेशन है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है क्यों हमारे क्लेम्स ओवरलैप हो गए बिकॉज़ इस सी माउंट की एक्सप्लोरेशन को लेकर श्रीलंका ने भी यू नो क्लेम किया हुआ है ठीक है अब देर आर इंटरनेशनल रेगुलेशन जिससे कि सी बर्ड की एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट किया जाता है एक तो ये हो गया कि हमारा जो क्लेम है उसमें ओवरलैपिंग हो गई है श्रीलंका भी डिमांड कर रहा है इंडिया भी डिमांड कर रहा है ऑल्सो वैसे भी जब हम डीप सी माइनिंग की बात करते हैं इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर जो एक्सप्लोरेशन है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड दी यू नो इट इज़ वेरी वेरी हाई एक्सप्लोरेशन एज वेल एज एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी हाई इससे कुछ टाइम पहले अफ्रीका uh, के पास अच्छा देखो आज क्योंकि ए एंड सी माउंट न्यूज़ में है सो यू शुड ऑल्सो नो वन मोर थिंग वी आर ऑल्सो सीकिंग परमिशन जिससे कि हम कार्ल्सबर्ग रिज जो है कार्ल्सबर्ग रिज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं पॉली मेटेलिक सल्फाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं पॉली मेटेलिक सल्फाइड्स ये जो कार्ल्स रिज रिज है ये आपको अफ्रीका के पास मिलेगी आ, आपका जो हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका जो आता है उसके आपको ईस्टर्न साइड पे यह रिज देखने के लिए मिलेगी सेचल्स के कंपैरेटिवली ये नॉर्थ में प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी हम आ, हमने अप्लाई किया है कि हमें कार्ल्सबर्ग रिज के एक्सप्लोरेशन के राइट्स दिए जाएँ और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है पॉली सल्फाइड्स ठीक है जी अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बातें ए एंड सी माउंट के बारे में देखो सी माउंट को आप जानते हैं ये आपके आ, ओशन के डेप्थ पे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं अराउंड फोर्टी एट हंड्रेड किलोमीटर की यू नो इसकी पूरी की पूरी हमारे पास डेप्थ है वहाँ से ये राइज करता है एंड इट राइज अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स ठीक है एंड अगर आप देखो तो बिल्कुल सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर ये लोकेटेड है इंडिया की कोस्ट से कुछ तीन हज़ार किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है सी माउंट किस तरह फॉर्मेशन होती है सी माउंट की सी माउंट्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉलकैनिक एक्टिविटी जहाँ पे भी वॉलकैनिक एक्टिविटी होती है वहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है एंड जहाँ पे भी सी माउंट है ना इवन इट इज कंसिडर्ड एज अ हॉट स्पॉट फॉर मेरीन लाइफ एज वेल अंडर वाटर माउंटेन्स हैं देर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट फॉर मेरीन लाइफ ठीक है अच्छा अब एक और चीज़ हमने अप्लाई कहाँ किया है हमने अप्लाई किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में जो कि बेसिकली जमाइका बेस्ड इंटरगवमेंटल बॉडी है इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी ऑफ लॉ लॉ ऑफ सी इसके बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है ठीक है जी तो वहाँ पे हमने इसकी इसको लेकर अप्लाई किया है तो देखेंगे कि इसे लेकर क्या अपडेट हमारे पास आता है सो लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट ओवर है मूविंग ए हेड आज सिकल सेल डिजीज सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आई विड रिक्वेस्ट कि आज के न्यूज़पेपर में आप ज़रूर के पढ़ें एंड इवन uh, जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की तो इंडिया का तो मिशन चल रहा है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया By 2047, याद रखेंगे ये बात हमारा मिशन है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिक्कल सेल डिसऑर्डर, सिक्कल सेल डिजीज होता क्या है ठीक है देखिए जब भी हम बात करते हैं सिक्कल सेल डिसऑर्डर या सिक्कल सेल डिजीज़ की तो ये एक क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है इट्स जीन डिसऑर्डर ठीक है जिसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है उनके अंदर क्रॉनिक एनीमिया की शिकायत होती है ठीक है लगातार एनीमिया चलता आ रहा है एंड काफ़ी एक्यूट और पेनफुल एपिसोड्स होते हैं एंड यहाँ इस इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आर बी सीज़ हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये आप देख रहे हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे बिकम मिसशेपन उनकी जो शेप है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इस तरह एक सिक्कल सी शेप बन जाती है आर बी सी की तो जब रेड ब्लड सेल आर बी सी मिस शेपन अप हो जाते हैं ब्रेकडाउन हो जाते है, तो हैं तो ऐसे जो सेल्स हैं ये बहुत जल्दी मर जाते हैं एंड इससे क्या है कि जो नॉर्मल आर बी सी है उसकी जो एज है वो कम हो गई अब इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो सकता है ब्लड फ्लो ब्लॉक होने की वजह से पेन कॉज होता है तो जब हम कहते हैं कि सिक्कल सेल एनीमिया हो गया सिक्कल सेल डिसऑर्डर के अंदर अगर हम बोलते हैं कि सिक्कल सेल एनीमिया है तो ऐसे कि इसमें क्या है कि जो रेड सेल्स हैं वो डिसफंक्शनल हैं वो अच्छे तरीके से हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं सिक्कल सेल क्राइसिस ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं ये पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो जो खून की सप्लाई है वो रुक जाती है जिसकी वजह से सिवियर पेन कॉज हो सकता है या फिर ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है तो इसे कहा जाता है सिक्कल सेल डिज़ीज़ ठीक है अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है कि अगर एनीमिया की शिकायत है तो ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए आ, जिससे कि पेन क्राइसिस के रिस्क को कम किया जा सके ऑल्सो जो हाइड्रोक्सी यूरिया है ये मेडिकेशन दी जाती है जिससे कि जो पेनफुल एपिसोड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो इट कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मेरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एज़ वेल सो so, हमारे लिए सिक्कल सेल एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसकी साइंस इसके पीछे का क्या लॉजिक है किस तरीके से आर जो है वो मिसशेपन अप हो जाते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा डिसऑर्डर हो सकता है इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए सेकेंडली हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें हम इंडिया के अंदर सिक्कल सेल डिजीज की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और हमारा मिशन है टू एलिमिनेट सिक्कल सेल एनीमिया बाई ट्वेंटी सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस लास्टली अपडेट ये है कि लद्दाख के अंदर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सुनाम वांचक जिनके स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर थ्री इडियट्स मूवी भी बनी थी ही वॉज ऑन दी यू नो हंगर स्ट्राइक ट्वेंटी वन डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक और ये अब एंड हो चुकी है एंड दिस एंटायर प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन फॉर द डिमांड ऑफ स्टेट हुड ऑफ लद्दाख एंड टू इंक्लूडेड इन द दिक्सथ शेड्यूल ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लद्दाख को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर की रिओर्गेनाइजेशन हुई तो तब लद्दाख उससे पहले रिओर्गेनाइजेशन से पहले लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलती थी लेकिन उसके बाद अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई है तो लद्दाख को यूटी बना दिया गया है तो कहा जा रहा है कि लद्दाख की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो गई है लद्दाख के अंदर एक जॉब क्राइसिस जो है वो बिल्डअप हो चुका है जिससे कि ये पूरा का पूरा अनरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ है जो मेजर मेजर डिमांड है यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ की है द प्रोटेस्टर्स दे वॉन्ट कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला जाए जिससे कि लद्दाख की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके ये इंश्योर किया जा सके कि, कि किसी भी तरह के इम्पैक्टफुल डिसीजन से पहले लोकल से कंसल्ट किया जा सके यू you नो know, एक बात आप यहां पे देखें कि 80 परसेंट जो लद्दाख की पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ ट्राइबल्स तो इसीलिए सिक्स शेड्यूल की डिमांड यहाँ पे हो रही है एंड स्टेट हुड की बात यहाँ पे हो रही है सिक्स शेड्यूल के बारे में आप बहुत डिटेल में अपनी पॉलिटिकल क्लासेस में पढ़ते हैं आप जानते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे कि आसाम मेघालय त्रिपुरा मिज़ोरम वहाँ पे सिक्स शेड्यूल लगाया जाता है जिससे कि इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके और यही डिमांड लद्दाख की भी है कि लद्दाख को भी सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए और साथ ही में स्टेट हुड भी दी जाए सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है सो प्लीज़ टू लाइक एंड कॉमेंट बिलो थैंक यू सो मच